guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I'm going to review this particular product. This is by Alps Goodness. This is their orange peel powder. So guys, I thought ki purple pe aajkal bahut sari sales and discount wagera chalte rehte hain. Alps Goodness pe aksar acche acche discount aate rehte hain. So I thought why not review these products for you guys so that aap samajh paoge kya ye products sach mein acche hain nahi hain, are they worth it or not. Because agar worth it nahi honge to chahe product sasta ho mehenga ho, अगर काम ही नहीं करता तो खरीदने का क्या फायदा, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 15 रुपए का हो, चाहे जितने मर्जी का हो. सो दिस प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर पाउडर इज फॉर 75 रुपीज और ये है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द ऑरेंज पील पाउडर. सो ऑरेंज पील पाउडर क्या होता है, जो हम ऑरेंजेस खाते हैं, संतरे जो खाते हैं, उसके बाहर की जो पील होती है, जो उसका छिलका होता है, उसको ड्राई डाउन करके एंड उसके बाद उसको ग्राइंड करके जो पाउडर बनाया जाता है वो होता है ऑरेंज पील पाउडर. दिस लुक समथिंग लाइक दिस. इसको मैंने काफ़ी सारे DIYs में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक देम ऑन माई चैनल. होम रेमिडीज की एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हो. समहाउ आज पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है मुझे, जो मुझे नहीं लगती. आई एम सॉरी इफ आई एम स्वेटिंग अलॉट. एनी विच वेज, आई जस्ट वॉन्टेड टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट. सो ऑरेंज पील हमारी स्किन में क्या बेनिफिट देता है, इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी. ऑरेंज जैसे ऑरेंजेस जो होते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं, उसी तरह से ऑरेंज पील जो होती है वो भी हमारी स्किन में नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी को प्रोवाइड करती है, विच एनी वन कैन यूज. बिकॉज जो केमिकली ट्रीटेड विटामिन सी होता है या जो आजकल आर्टिफिशियल विटामिन सी आता है हमारी स्किन के लिए, वो आई वुड नॉट रियली रिकमेंड फॉर बिगिनर्स और फॉर टीनेजर्स. बट दिस पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, दिस इज वेरी वेरी natural, this is organic, and that this I would highly recommend for anyone out there. चाहे बिगिनर हो चाहे आप टीनेजर हो, यू कैन एक्चुअली यूज इट इन योर DIYs. आप इसमें नॉर्मली रोज वाटर मिक्स करो या नॉर्मल वाटर मिक्स करके आप इसे यूज कर सकते हो. सो इस पर लिखा है कि इसको आप ऑन हेयर भी यूज कर सकते हो, अपने हेयर पे भी यूज कर सकते हो. बट आई हैव नेवर यूज इट ऑन माई हेयर. बट अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो. बिकॉज इस पर यह भी मैंशन होता है कि इसको आपको 15 आधे घंटे से लेकर 3 आवर्स तक आपको इसको अपने बालों में लगाना है, विच इज लाइक नेक्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर मी. मैं नहीं कर सकती, कोई भी पैक हो मैं 3 घंटे तक तो नहीं लगा सकती. एनी विच वेज, इट स्टेट्स कि इट कंडीशन दी हेयर एंड क्लेंजेस दी स्कैल्प थॉरली. सो वो कहता है, इस पर लिखा है कि हेयर को काफ़ी अच्छे से कंडीशन कर देता है और स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. बट जैसे कि मैंने कहा, मैंने कभी इसे हेयर पे यूज़ नहीं किया है, सो आई एम रियली नॉट श्योर. मैंने इसे स्किन पे यूज़ किया है. सो इट इज़ फिल्ड विद विटामिन सी विच हेल्प्स टू ब्राइटन अप योर स्किन, विच इज एक्चुअली ट्रू. विटामिन सी की मेन प्रॉपर्टी यही होती है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करना, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स ऑन योर स्किन ब्राइटनिंग. सो ब्राइटनिंग का मतलब ये होता है आपके डार्क स्पॉट्स एंड यू नो जो पिगमेंटेशन है उस पर ये काम करता है. वीक में आप एक बार इसे अपनी स्किन पे यूज़ करो. जिस दिन भी आप फेस पैक यूज़ करते हो आप इसको लगा सकते हो, ऑरेंज पील पाउडर को. एक ये नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह भी काम करता है आपकी स्किन पे. सो आपकी स्किन की डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा एंड बहुत अच्छे से ब्राइटन अप करेगा. फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ओनली फॉर 75 रुपीज, एंड अगर इस पर भी डिस्काउंट आता है तो इट्स फॉर लाइक 50-55 रुपीज. एंड शेल्फ लाइफ इसकी 3 ईयर्स की होती है, बट ऑब्वियसली 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है. अगर आप रेगुलर यूज करते हो, अगर आपके लिए वर्क कर रहा है, तो 3-4 महीने में ही खत्म हो जाएगा. एंड दिस इज 100% ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर सम ऑर्गेनिक स्टफ. And this is created for all skin and all hair types. So as I said, मैं hair पे नहीं लगाती हूँ, but yes, skin के लिए बहुत अच्छे से काम करता है. And I feel this is like good quality organic peel, orange peel powder. जैसे ऐसा होता है ना, आप घर में भी बना सकते हो ऑरेंज पील, बट मेरे लिए बहुत तामझाम होता है. एंड अगेन, आप संतरे के छिलके को पहले धूप में सुखाओ, फिर उसको ग्राइंड करो, और धूप में कभी मिट्टी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दे डू इट, क्योंकि ये प्रोसेस करते हैं पूरी कंपनी फैक्ट्री वगैरह में करते हैं. सो ऑब्वियसली दे आर लाइक मोर हाइजीनिक और अच्छे से पैक कर लेते हैं. और मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा हाइजीनिक होता है अगर ये आप बाहर से कोई ऑरेंज पील पाउडर ले लो. एंड आई थिंक इज लाइक वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑरेंज पील पाउडर. ज़्यादा ब्रांड्स का अवेलेबल भी नहीं है, बट जिनका मैंने ट्राई किया, आई थिंक एप्स गुडनेस का काफ़ी अच्छा है. एंड दिस इज वॉट इट स्टेट्स. हाँ, इसमें पीछे यूजेज लिखी है, विच इज़ लाइक आप इसमें वाटर मिक्स करके आप इसका एक पेस्ट बनाओ, अपने फेस पे लगा लो. आपको वाटर मिक्स करना है, वाटर मिक्स करो, कर्ड मिक्स करना है, कर्ड मिक्स करो. इफ़ यू वॉन्ट टू एड बेसन, रोज वाटर, वट एवर यू विश. आप कोई अपना नॉर्मल DIY बना रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा इसको लगा के मिक्स करके
and then you can use it on your skin and it's going to brighten up your skin. So that's all for the review today. मुझे ऐसा लगा था मैंने आपको आपके साथ छोटा सा मिनी रिव्यू शेयर करना था ऑरेंज पील पाउडर का. सो आई बिलीव कि अगर आपको खरीदना है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो. दिस पाउडर इज लाइक 8/10 फॉर मी. मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बढ़िया पाउडर, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बेकार पाउडर है, बट येस इट्स लाइक गुड पाउडर इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ गुड नेचुरल ऑर्गेनिक पील पाउडर. सो दिस इज लाइक वन ऑफ दोज गुड फाइनली मिल्ड पाउडर. अगर आप इसमें स्क्रबिंग के लिए ढूंढ रहे हो सो दिस इज नॉट फॉर स्क्रबिंग. जैसे कुछ ऑरेंज पील्स होते हैं विच आर लाइक लिटिल कोर्स एंड हार्ड, सो दिस इज नॉट दैट. ये प्रॉपर पाउडरी फॉर्म में है. सो इसको स्क्रबिंग का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इज लाइक अ गुड नाइस फेस पैक. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस नाइस फेस पैक एंड ऑर्गेनिक एंड अफोर्डेबल फेस पैक, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड ऑप्ट फॉर इट. सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे. आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.